पूरा वीक हाँ भी ये रहते हैं मैं नोटिस कर बैचलर्स। रहा हूँ। बैचलर्स अच्छा अब तो वैसे अच्छा 3 दिन होती थी, पहले 4 दिन होती थी, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती थी, तो पूरा ऑफ ऑफ नहीं। अब मास्टर्स बैचलर्स की किस में कर रहा हूँ? टूरिज्म। टूरिज्म क्या क्या होता क्या है टूर, मतलब थोड़ा समझाओ हम बेसिकली जैसे लाइक लोगों को। टूरिज्म, मेरा बिजनेस और टूरिज्म दोनों साथ में है, तो बिजनेस के भी मॉड्यूल्स होते हैं और टूरिज्म के भी होते हैं। टूरिज्म में लाइक डेस्टिनेशन, हमें सिर्फ यही है कि डेस्टिनेशन क्या है, पेरिस है तो पेरिस क्यों जाना है, अच्छा मतलब कि मेरे को बताओ, मैं अभी उसकी पहले जा रहा हूँ, मेरे को बताओ मतलब कि क्यों जा हमें रहे। उसका रिसर्च करना है कि हाँ कल्चर कैसा है, वहाँ हाँ का बैकग्राउंड कैसा है, हिस्ट्री और और ये फिर सब। इवेंचुअली जॉब क्या होती है इसमें, मतलब जॉब्स डिपेंड्स करती है कि आपको टूर ऑपरेट करना है, लाइक आप अपनी खुद एजेंसी भी खोल सकते हो, लाइक एनी टूर ऑपरेशन, टू एजेंसी समथिंग। और इंटरेस्टिंग है यार काफ़ी है। इंटरेस्टिंग, यूनिक है हाँ थोड़ा। बहुत हाँ अलग है बेसिकली तो। कि हाँ वही, घूमना फिरना ही होता है बेसिकली हमारे इधर सारा। तो इंडिया में लोग अगर ऐसे कोर्स करेंगे बोलेंगे ये क्या कर रहे मैं यहाँ पर आया हो, ना, ये मुझे जवानी का, ये जवानी ये दीवानी का बनी टाइप बनी में है मिला, बनी टाइप। हाँ मैं जब यहाँ आया मैंने लोगों को बोला, इंडियन, मोस्टली इंडियन को ही बोला कि टूरिज्म करूँ, वो बोले कि ये कैसा कोर्स ये कैसा कोर्स है है वो एग्जैक्टली। बोलेंगे अगर मैं अपने घर पे बोलूँगा कि मैं टूरिज्म कर रहा हूँ, तो वो मेरे पापा बोलेंगे कि मुझे करना ही नहीं है, करना ही नहीं है एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा मुझे हूँ कि इंडिया में तो बोलेंगे क्या चीज़ है ये। लेकिन आई थिंक जैसे अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो काफ़ी कंट्रीज करती है ये हाँ प्रमोट, स्टेट्स यस करते हाँ हैं। कंट्रीज मैंने देखा करते अभी कि इंडिया में भी, मैं अभी गया केरला का, हैं। केरला केरला टूरिज्म, केरला टूरिज्म ओडिशा फेमस है, टूरिज्म, राजस्थान राजस्थान, हाँ टूरिज्म राजस्थान राजस्थान बहुत में ज़्यादा, फेमस तो ये है। करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, शायद लोग देखते नहीं है और मेरी क्लास में सिर्फ मैं 2-3 इंडियंस होंगे, बस। बाकी सारे गोरे, यहाँ के यूरोपियन और ये वो, आप कहाँ से इंडियन हो में इंडिया होते में? हैं गुजरात। अच्छा गुजरात, तो गुजरात टूरिज्म है ऑलरेडी कि नहीं नहीं चालू नहीं करने अभी वाला? मोदी तो कर रहा है जी ऑलरेडी। बेसिकली बैकग्राउंड मेरा बिजनेस में है, मेरे फादर से उन लोग का बिजनेस है, लेकिन मुझे करना था टूरिज्म, तो तो आपको कोई ट्रैवलिंग वैवलिंग में इंटरेस्ट है सर? हाँ इसी वजह से। और अच्छा आई गेस आपके इसने पास, अभी डिज्नी को भी अप्लाई किया है। अच्छा यूएस जाने प्लेसमेंट का, के लिए अप्लाई प्लेसमेंट के किया लिए। है हाँ डिज्नी, तो यूएस का सही है, जॉब 10 साल का वीज़ा मिल जाता है तो एक ही बार मेरी में। 6 महीने की वहाँ पर नहीं प्लेसमेंट है, वो एक्सचेंज एक्सचेंज स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट हाँ टाइप। पर फिर भी वीज़ा तो 10 साल का ही मिलता है। हाँ हाँ वीज़ा वीज़ा तो तो 10 साल 10 साल का ही का। मिलता है। हाँ हाँ क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त है, वो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका छोटा सा विजिट गया एक, हाँ आई थिंक 3-4 दिन का विजिट था, तो हाँ उसके लिए उसका वीज़ा लगा और वो 10 साल का लग गया। हमारी खुद थी यहाँ, यहाँ से पेरिस की 5-6 दिन की फील्ड ट्रिप थी, लेकिन वो भी पता नहीं फ्यूचर में करेंगे, नेक्स्ट ईयर शायद, इस साल थी ईस्टर में, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया अभी, ओके। तो यही सब लेकिन होता है ओवरऑल घूमना फिरना। लाइफ कैसी है यूके में, लाइक एवर सिंस? लाइफ यार बहुत अच्छी है फिलहाल, बहुत सच अच्छी, सच सच चाहिए मेरे को, मेरे को सच चाहिए। तो सच बता जाए तो यार इंडिया की बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ का वेदर, ये बोला ना सच अभी। क्योंकि नहीं मतलब ये सच है कि मैं जो भी दोस्त लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी आने का सोचते हैं, मैं उसको पहले बोलता हूँ कि भाई देख यहाँ पे जब तू आ रहा है वेदर बहुत ख़राब है। नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं नहीं सुनते, सुनते वो एक बार। दे थिंक कि यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट हाँ करते हैं हाँ दैट इज द हाँ रियल लाइफ, हाँ वो बट विच सोचते इज हैं कि तू चला गया ना, तू तो मजे कर रहा है, अभी हमें क्यों हाँ नहीं यार आए हमें क्यों हैं। नहीं हमको कहाँ रहे, पता रात को बट पार्टी को जा रहे, वो दिन भर शिफ्ट दिन भर करके मैं शिफ्ट कर पार्टी रहे को हैं, जा अभी रहा 9 घंटा हम काम कर रहे हूँ। खड़े रह के, दे डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि एग्जैक्टली बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं है लोगों को। हाँ तो यार यूके का वेदर जो है सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तुम्हारा विंटर में अगर दिन 3 बजे खत्म हो रहा है और सुबह 10 बजे चालू हो रहा है तो यू गेट ओनली 5 आवर्स। अरे मेरे से पूछो भाई इसका दर्द, मेरे को हाँ लाइट ही नहीं है। मैं मतलब सोचता हूँ कि मेरे को अगर कुछ शूट करना है तो मैं कैसे करूँ। हाँ डिफिकल्ट तो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, विंटर में तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, आपका पूरा जो शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है, आपको पढ़ाई का भी करनी है, आपको सारी चीज़ें भी हैंडल करनी है, तो वो हैंडल नहीं हो नहीं पाती। बात है। हाँ तो यार मैं बोलूंगा कि इंडिया इज वे बेटर देन यूके कुछ वेदर के फैक्टर्स में, कुछ कुछ फैक्टर्स में, फैक्टर्स। बट मेजर ऑफ द थिंग्स कि हम मान लो कि 20 साल अगर हमने इंडिया में बिताए हैं और अब 3 साल के लिए यूके आ रहे हो, तो वो तो इंडिया की सारी हैबिट्स रहेगी ना एग्जैक्टली अपनी, हाँ कि आपको खाना बनाना है, आपको यही करना है, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, शाम को चाय भी चाहिए, नहीं मुझे यही लगता है कि तो एक होता एक नहीं जब है। एक इंडियन लड़का ना हमारे जैसा जब हाँ इधर आता है तो वो अलग एटमॉस्फेयर से आता है। हम करेक्ट। लौंडे लपाटों में बैठते हैं, एक कुछ हो हाँ गया कि चल भाई किधर जाते हैं, घूम हाँ फिर के कैजुअल आते लेते हैं, चीज़ें, बट गाड़ी निकाल यहाँ सकते हैं, पे, गाड़ी इंडिया निकाल में सकते हैं भाई, यहाँ पर और यही किधर यहाँ भी पार्क पे कर इधर सकते भी हैं। पार्क कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि मतलब टाइम डिसिप्लिन, वो बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरी मतलब है, मतलब टाइम डिसिप्लिन वो तो इम्पोर्टेंट, इनको मतलब 8 बजे आना तो 8 ही बजे आना शिफ्ट हाँ पे, 4 बजे आना तो 4 ही बजे, हमारे तो सो दोस्त, हाँ भाई टाइम 5 मिनट में आ रहा पाँच हूँ, मिनट सोया में बैठे हो सोया भाई। बैठे हो फिर बाहर, नहीं एक चीज़ तो है कि तो वो कैल डिसिप्लिन है थोड़ा, लोग हाँ यहाँ पे। कैलेंडर हाँ वैलेंडर यस मेंटेन होता है हाँ यहाँ पे कि आज मेरा कल ये वो परसों, यस इंडिया में थोड़ा कैजुअल है, बट आई थिंक सर उतना ही लाइफ चिल भी है वहाँ पे चिल भी। हाँ इंडिया में यस मोस्ट। फ्लेक्सिबल है वहाँ पे, लाइफ हाँ यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं, आप एक एग्जैक्टली स्केड्यूल में घुस जाते हो, हाँ वो जो होता है ना, वो जो राउंड में रैबिट रैट हाँ घूमता है वो,
तो वैसे ही लाइफ बस हो बस गई, बस सुबह वैसी नौ है। बजे उठो, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर अरे खाना मैं काफ़ी बनाओ। सारे लोगों से मिला हूँ अभी, स्पेशली उनके लिए है ना जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप है, ठीक है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं कैसे ना कैसे ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं मैंने देखा है ऐसे लोगों से मिला है जो कहते हैं कि यार भाई मैं ना महीने महीने रूम में बैठ के रोया हूँ बस, करेक्ट, होता है वो। क्योंकि मैं नहीं फ्रस्ट्रेशन। निकल पाया बाहर। मतलब मेरा उसका उसका कोई दूसरा दोस्त था तो ही यूज टू गो एंड चिल आउट, हैंग आउट सबके साथ, ठीक है, उसके गोरे दोस्त थे, उसके करेक्ट सारे करेक्ट दोस्त थे, करेक्ट। हाँ, ये भाई घर पे रह नहीं गया नहीं है होता है वो। ना। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा एक पार्ट है कि ऑब्वियसली वेदर, जैसे बोला ना आपने कि वेदर के वजह से थोड़ा ग्लूमी फील फील होता है, थोड़ा होगा। डार्क फील होता है। और अगर तुम्हारा सर्कल इतना अच्छा नहीं है, जैसे अभी तुमको हाँ अच्छे दोस्त मिल गए तो हाँ तुम्हारा सेट है, मेरे को तो यही लगता है हाँ कि बराबर अगर तुमको बराबर, अच्छे दोस्त मिल गए ना दोस्त तो यहाँ पे सेट है फिर। तो सेट है। यू कैन नॉट लिव अलोन हियर, हाँ नहीं नहीं कभी नहीं 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 हो ही नहीं नहीं सकता भाई, ये। डरावना सपना मैं है भी यहाँ जा पे। रहा हूँ, नीट एग्जैक्टली, समवन। हाँ, बाहर भी ग्रोसरी लेने जाना है तो दोस्त को लेके दोस्त चलो के लेके यार। ही जाते हैं। आखिर हाँ तुम एक दिन, मैं मतलब इमेजिन करो यहाँ पे विंटर्स में कि अकेले हो तुम एक पूरा दिन, पागल हो जाओगे यार, नहीं कुछ कर सीरियसली नहीं नहीं सकते। कर मैंने सकते। तो घर में व्हाइट लाइट लगा ली, यहाँ पे हर सारे लोग वो हाँ येलो लाइट ही लगाते हैं, सो इसीलिए हाँ व्हाइट इधर ये लाइट अलग लफड़ा है हाँ, क्योंकि वो वार्म रहने के तो लिए। और हाँ डिप्रेस फील होता है येलो ऑब्वियस लाइट है, होने हाँ से। हम यहाँ अपन इंडिया, अच्छा हाँ कॉरिडोर में व्हाइट लाइट लगाया है, रूम के अंदर येलो हाँ लाइट रूम में लगा येलो है। लाइट रहती है तो वो है यार। नहीं पर मेरे को यही लगता है, पर आई थिंक कि थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए, मेरे मेंटली को ऐसा होना लगता है। चाहिए। एक पॉइंट सबसे पहला तो हाँ कि करेक्ट। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि यार मैं अकेला नहीं रह सकता हाँ तो तो फिर यही तो यही यूके इज नॉट फॉर यू, यूके इज यूके इज नॉट नॉट फॉर फॉर यू। बिगिनर्स। यूके इवन नो यार, यूएस इज नो, ऑल्सो नॉट फॉर एनी वन। हाँ यूके यूएस किधर भी हाँ जाओ, अगर हाँ तुम इंडिया के अब्रॉड बाहर आ रहे हो तुमको ग्रुप में रहना पड़ेगा। यू कैनॉट लिव नेटवर्क अलोन, करना पड़ेगा, और बात करना इवन पड़ेगा लोगों इंट्रोड भी नहीं रह से। सकते तुम, नहीं नहीं बात करना पड़ेगा नहीं भाई, तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि तुम 50 लाख खर्च करके आ रहे हो तो तुम इंट्रोवर्ट तो नहीं रह नहीं रह सकते। सकते। मतलब नो एग्जैक्टली ऑफेंस टू जो भी इंट्रोवर्ट लोग हैं, पर फिर भी मतलब तुमको अगर जॉब चाहिए, चाहिए। कुछ भी हाँ बराबर। चाहिए, हाँ मतलब मैं बताता हूँ, मेरे को जो पहली जॉब मिली मेरी वो मिली नेटवर्किंग से। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर मैं जो भी बंदे से मिला अगर उससे नहीं मिलता तो मेरे को जॉब नहीं मिलती, बात करनी हाँ सही पड़ेगी। बात है। क्योंकि मैंने जब जाके CV दिया एक एक बंदे को तो उन्होंने नहीं बोल दिया, और जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया बराबर उन्होंने तो कभी रिप्लाई नहीं किया। तो हाँ, अनफॉर्चुनेटली। इवन तो फॉर वो पार्ट टाइम जॉब आल्सो, मतलब रेफरेंस चाहिए, हाँ नेटवर्किंग मैं नहीं, मैं चाहिए पार्ट अपने। टाइम की बात सही, कर रहा हाँ हूँ, वही। मैं तो स्टार्टिंग ही मेरी पार्ट टाइम से हुई ना, तो मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं तो IAS सोच के था, जैसे सब आते करेक्ट। हैं हाँ कि हाँ अपने को तो भाई 20 घंटे पूरे लगाने हैं, 20 घंटे तो ये मैं तो सोच के आया था स्टार्टिंग में, लेकिन जॉब मिल नहीं रही थी। और करेक्ट। मैं जब आया था तब था क्वारंटीन, मतलब हमें 10 दिन के लिए हाँ क्वारंटीन में कोविड रहना गया। पड़ता था। तो 10 दिन मैं कहा यार 10 दिन की सैलरी तो गई, मतलब मेरे को 24/7 तो मैं तो ये सोचता था। तो फिर मैं बहुत इधर उधर हाथ पैर मारा, मैंने पहले से ही अप्लाई करना शुरू, क्योंकि सिम तो तुमको घर पे मिल जाता है, बराबर। कुछ कुछ हाँ लोग को VFS से भी मिल जाता है। हाँ VFS से, हाँ प्रीमियम सर्विस से। हाँ हाँ तो मेरे को गिव गैफ ने भेज दिया था घर पे 2-3 दिन में, ओ तो मैंने वो तुरंत ही चालू कर दिया। तो मैंने जैसे नंबर आया मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, इधर उधर सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं से कुछ नहीं आ रहा। फिर किसी ने बोला कि तू एक काम कर, तू CV लेके जा। हाँ मैं कहा कहाँ से जाऊँ, जा नहीं सकता बाहर। तो क्वारंटाइन हाँ फिर भी मतलब हम लोग निकले पार्टी वार्टी वो करने के लिए दर बच्चों बदर के जुबके घूमना ही से। पड़ता हाँ है। हाँ पर उसके बाद जब लोगों लोगों से मिला मैं, हम लोग एक क्रिश्चियन दोस्त था मेरा तो वो चर्च जाता था, तो मैं बोला कि चल तू मेरे साथ चल, चल। मैं कहा चल चल चल, तू जिधर बोलेगा मैं चलेगा, तू चल। तो हर जगह गए, वहाँ से फिर नेटवर्किंग हुई धीरे धीरे, एंड देन उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको जॉब चाहिए, अच्छा इधर है तो तुम जाओ, हाँ बराबर। तो वैसे जाके जॉब मिली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वही अगर इंट्रोवर्ट बंदा होता, नहीं, नहीं पॉसिबल ही मुझे नहीं, नॉट मुश्किल है। पॉसिबल। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज, इवन अभी उसके बाद मेरे को जो अपॉर्चुनिटीज मिली ना कि लोगों ने बोला कि तू ये कर ले वो कर ले, जिसके हाँ बाद मैंने कंपनी वगैरह सेटअप की। अभी नॉर्मली सोचो कि कोई यहाँ पे, मैं जब आया था मैंने घंटा सोचा था कंपनी खोलूंगा, कुछ नहीं, वही मैंने तो ये पॉसिबल ही सोचा था नहीं। कि जॉब मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर जैसे जैसे तुमको लोग मिलते हैं लाइक माइंडेड लोग, हाँ और बराबर। एक एक और चीज़ है कि कुछ कुछ यहाँ पे ना नेगेटिव लोग नेगेटिव भी लोग होते हैं थोड़े से, है कि तुमको खींचने का पीछे बराबर। कोशिश हाँ करते हैं हाँ कि भाई वो तू तो आगे है, कैसे जा सकता है। तो आई थिंक करेक्ट। वो भी एक पॉइंट है, बट आई थिंक लोग यस ओवरऑल, हाँ लोग। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस फ्रेंड्स के मामले में? फ्रेंड्स अच्छा है, नेटवर्क है। मतलब अभी मैं भी मतलब ट्राई करता हूँ कि जो भी नए हैं सो जल्दी से मिक्सअप हो जाऊँ, जैसे मतलब अगर मेरे शिफ्ट मतलब रूम भी चेंज कर लेता हूँ कुछ भी, सो नए लोग रहते हैं, सो उसमें मैनेज होना कि हाँ ठीक है, लाइक डिफरेंट कंट्री से लोग हैं बट ठीक है, मैनेज हो जाता है कि मतलब बात करना, उनका कल्चर अलग है। वो भी इंटरेस्टिंग होता है, बट वो भी एग्जैक्टली। चीज़ है कि हाँ उनका कल्चर अलग है, उनका हाँ खाना अलग है, वो भी जानना। जैसे कि अभी मेरे साथ इंडोनेशिया की एक लड़की है जो, सो उसकी चीज़ें जानना कि ओके हाँ ये वर्ड वो कैसे बात करते हैं इंडोनेशिया में, और उनका खाना क्या उनका तो होता है, कल्चर ही पूरा डिफरेंस है। कल्चर हाँ है बट कुछ मिक्स है। जैसे कि वो मतलब चपाती वो भी खाते हैं, अपन भी चपाती खाते हैं, सो कुछ चीज़ें मिक्स है। उनके अंदर 5 जेंडर है अपने पास, दो ही तीन बट अच्छा है, मतलब एक दूसरे का यहाँ पे बैलेंस होता है, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के लोग, सो वो चीज़ अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स तो है अपने, बहुत सारे इंडियंस भी बट है। तुम तो शायद 12th के बाद है ना यहाँ पे? हाँ 12th के बाद हाँ, तुम्हारे लिए कैसा था है? मतलब मैं वेरी 12th के क्यूरियस बाद टू। आया, लेकिन मेरा कोविड की वजह से 1-2 साल का गैप था इंडिया में। ओके 12th के बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा स्टार्टिंग में था स्ट्रगल, लेकिन सब अब सही है। सेकेंड ईयर है, मैं 2 साल से कैंपस में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे कैंपस में
अच्छा है कि अकोमोडेशन और ये वो फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो स्टूडेंट कभी बोर नहीं होता और फ्रेंड्स होते हैं। अब बाहर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, एक्टिविटीज़ चलती रहती है, तो अब ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं आया स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा, अभी तुम जैसे इधर रह ऑफ रहे हो कैंपस। घर पे रह रहे हो, हाँ, हाँ तो मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहा, और उस समय जो मेरे दूसरे दोस्त थे कोर्स में हाँ जो घर पे रह रहे थे, वो लोग एक लेवल से अलग थोड़ा डिप्रेस थे, मतलब उनके दोस्त कम थे मैं सही बोलूँगा। बात। अब मेरे मेरे को तुम्हारा हाँ नहीं पता, मे भी तुम होता यहाँ पे ज़्यादा आते होगे तो तुम्हारे ज़्यादा ये दोस्त होंगे, होता है, होता बट है। अगर तुम घर पे रह रहे हो ना इनिशियली और तुम्हारा इतना कनेक्शन नहीं है बाहर, कनेक्शन नहीं है। तो तुम सिर्फ उन 3-4 लोगों में ही रह जाते हो, हाँ। अब पता पहले नहीं क्या चलता था कि यूनिवर्सिटी में क्या चले, कौन सा इवेंट क्या है, मैं क्या रहता है, भी सारी कैंपस चीज़ें। में हूँ और हाँ जॉब भी यहीं पर करता हूँ, हाँ तो मेरी पहचान मतलब ज़्यादा लोगों से होती रहती है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली डेली डेली के कस्टमर्स होते हैं, तो उनके साथ बातचीत, कभी बाहर मिल गए तो हाँ। बातचीत हो गई, मतलब कि पहचान हो जाती है और ज़्यादातर। यूनिवर्स कैंपस ये अपना अकोमोडेशन में कैसा होता है कि तुम किसी के साथ हर भी रह किसी के सकते साथ हैं। भी हाँ रह रहे किसी हो, के साथ रह सकते हैं। हर बिल्डिंग में कहीं ब्लॉक में पार्टी चल रही है, कहीं हाँ कुछ हाँ चल रहा हाँ होता है, वो चल तो रहा अलग होता ही है, माहौल वो होता अलग है चल यहाँ रहा पे, है, पर वो जो घर पे रह जाते हैं ना 3-4 लोग, वो वो थोड़ा वो है हाँ। क्योंकि वो उतना ही वर्ल्ड बन जाता है ना, क्योंकि अपन बाहर जा नहीं सकते, एक्सपोज हो एग्जैक्टली नहीं सकते। यहाँ पे यूनियन अकोमोडेशन में वही एक ज़्यादा एडवांटेज है, बट क्या करें थोड़ा महंगा है, वो तो नहीं होता है फिर, नहीं बट फिर बट तुमको फिर हाँ थोड़ा ज़्यादा पुश पुश करना करना पड़ता है। पड़ेगा हाँ पुश करना खुद पड़ेगा खुद को, करेक्ट। बट हाँ जैसे कि थोड़ा मतलब यूनिवर्सिटी के अगर पास में है तो सही है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में हाँ जैसे आना अभी जाना इनका तुम्हारे पास में हाँ जस्ट ना, आना जाना हाँ इजी हो जाता है, इवेंट कुछ है पता चल जाता है, सो वो चीज़ है। बट अपर ऑब्वियस है ये अकोमोडेशन में रहोगे तो थोड़ा डिफरेंस ही हो जाएगा। करेक्ट पर वहीं से थोड़ा सा एक ओपन हो जाता है इंसान, यस हाँ हाँ हो जाता है, करेक्ट। क्योंकि मैं लिटरली ऐसे 3 लोगों को मिला हूँ मैं जब मैं ग्लासगो में था, उन लोग को घंटा नहीं पता है, मतलब उनसे अगर आप बात कर लोगे तो तुमको लगेगा कि अभी इंडिया में ही है, इंडिया में ही होता है, हाँ उनको कुछ नहीं पता। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं वो बाहर से आते हैं, मतलब लूटन से आते हैं, कभी कभी कोई लंदन से आता है, वेम्बली से आते हैं, तो जब बाहर से आते हैं तो उनका यहाँ पे बस इतना ही कनेक्शन होता है यूनिवर्सिटी के साथ कि भाई हमको बस क्लास करना है और हाँ एग्जाम को जाना एग्जाम है। को जाना अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर वो उनके ही दुनिया में रहते हैं एंड दे फील कि वी आर लाइक इंडियंस ओनली, क्या हम इंडिया में ही रहते हैं जैसे वैसे ही हम इधर ही रह रहे हैं। तो मतलब जब हम जैसे इंडिया में रहते हैं कि घर से निकलो कॉलेज जाओ, कॉलेज से निकलो घर पे आओ, तो वैसा है, दोस्तों के साथ मिलना विलना नहीं होता है, तो उतना हमारा उनके साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होता और उनका हमारे साथ भी नहीं होता है, तो एक ग्रुपिज्म टाइप हो जाता है फिर बाहर से आने वाले और फिर और यूनि में कैंपस के रहने रहने वाले। वाले, हाँ हाँ और यहाँ पे तो क्या होता है कि 6 बजेंगे ना तो क्लासेज और सब खत्म हो खत्म जाएगा, हो मतलब जाती है। ल्यूटन की यहाँ पे बस आएगी, फिर क्वींसबर्ग की बस आएगी, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है हाँ ना कि बहुत लंबी लंबी सिक्योरिटी को लाइनें खड़ा रहती होना हैं। पड़ता है, हाँ कभी कभार तो बस वाला बस छोड़ के भाग जाता है ऐसे चला जाएगा, ऐसे कुछ चला। समझ नहीं हाँ आएगा। वो क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बसेस में अलाउड नहीं होता ना, ओनली स्टैंडिंग आई गेस 10-12 लोग अलाउड होते हैं, हाँ 10 लोग तो तो अपने अपने आप इंडिया में तो पे कोई भी हाँ किधर कि चढ़ दरवाजा गए खुला जहाँ पे रहा तो भी चढ़ गए चलता है, चलेगा, पर हाँ यहाँ पे नहीं रहता बाहर तो लटक तो रहे ड्राइवर छोड़ के चला जाता है, तो फिर हाँ सिक्योरिटी आती है, फिर दूसरी बस आती है, फिर उसमें बिठाते हैं, तो वैसा हो जाता है, फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर क्या है कि हर एक अपने अपने कन्वीनियंस से आता है, वो अपना अपना इंटेंशन होता हाँ है किसी के यूके में रेंट के जाने बारे का, में, किसी रेंट के किसी बारे और में, सब फिर कुछ है, तो फिर वो क्योंकि बाहर जैसे आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर 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 जाओगे तो रेंट कम कम रेंट होता कम हो जाता जाए, है। हाँ। हाँ लेकिन खाने का क्या सीन है, खाना खाने का कितना चेंज हुआ इंडिया में, प्रॉपर यार दाल सब्जी रोटी ये सब बहुत ज़्यादा खाते थे, अभी चेंज यहाँ हुआ, पे क्या बहुत खाते हैं, यहाँ यहाँ पे चेंज फ्रोजन चीज़ें अब बहुत फ्रोजन सारी है, चीज़ें जैसे कि हाँ मतलब चिकन भी मिल रहा है फ्रोजन ही है, मतलब ऐसे फ्रेश कुछ ऐसे नहीं लग रहा है, मतलब हाँ कुछ वेजिटेबल्स है जो भी है बट फ्रोजन है, हाँ मोस्ट ऑफ द है ना फ्रोजन ही है, ब्रेड्स ब्रेड सुबह हाँ उठा ब्रेड शाम हुई ब्रेड ऐसे सब्वे में गए ब्रेड ब्रेड हाँ बट दूसरा ये तो खुद को बनाना पड़ रहा है, सो वो थोड़ा अलग है, थोड़ा देसी एक्सपीरियंस अच्छा मार्केट भी है वगैरह वो है कि यहाँ हाँ, पे, तो यहाँ पे सो आटा इंडियन मिल स्टोर जाता अच्छा है। यहाँ पे है देसी हाँ इंडियन देसी स्टोर मार्केट है, है, हाँ टाउन देसी सेंटर में स्टोर देसी मार्केट है, तो वहाँ पे ओके आटा भी मिल जाता है और भिंडी हो गया, सारी मतलब इंडियन फिर हाँ की बहुत इंडियन सारी चीज़ें इस वहाँ टाइम जाने रहती की है, जरूरत नहीं है। नहीं 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 वो आपके वीडियो इसी देखा था मैंने इंस्टा अरे मैं वाला गया था पहली बार पागल है मतलब कुछ भी चल रहा है उधर सारी सारी समझ, चीज़ें यहाँ वहाँ पे मेरे को जाके लगा नहीं बिल्कुल 1 मिनट भी कि मैं लंदन में हूँ, आप साउथ वाल में चले जाओ, हाँ आपको तो साउथ स्मेल भी इंडिया की आ वाल जाएगी फिर तो खत्म है वो सब वाले खत्म उन्होंने तो जो मेट्रो स्टेशन है उसके ऊपर भी हाँ पंजाबी पंजाबी में में लिखा है, लिखा है, पंजाबी में हाँ लिखा मैं है। गया, मैं एक बार गया था पंजाबी में, मैं कहा ये अलग कुछ चल रहा है इधर, लेकिन खाना अच्छा है वहाँ, खाना खाना अच्छा है, खाना खाना अच्छा बहुत है अच्छा है वहाँ पे, बाकी जो भी मेरे को नहीं पता क्या करते हैं वहाँ पे लोग पर ये नहीं नहीं होता। पर हाँ यार खाने में ना बहुत इफेक्ट होता है, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ भी इफेक्ट होती है यहाँ पे आने बहुत, के बाद। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अपन चिकन ही खाते हैं क्योंकि वेदर की वजह से ठंड है बहुत, सो चिकन 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 जो जो इंडिया में कंटिन्यू, सैटरडे मतलब सॉरी वीकेंड पे खाते थे, वीकेंड पे मंडे खाते, मतलब वगैरह वीक आते में हैं, एक बार वीकडेज प्रेफर भी खाते खाते हैं, हैं यार, यहाँ वीकडेज पे भी हो मतलब वीक में 4 to 5 times हो ही हाँ जाता है, 7 दिन खाते हैं लोग मैंने देखा, 7 दिन ऑप्शन खाते ही हैं, नहीं, ऑप्शन ऑप्शन नहीं ही है, नहीं, जो मिला खा लो इजीली खा मिल लो, जाता है ना हाँ यही है, और दूसरे अपन खा नहीं सकते और जैसे टाइम नहीं मतलब होता, हाँ वो भी है टाइम इतना नहीं टाइम होता, नहीं, कुछ कुछ
भाई कुछ कुछ जो लोग नहीं करते ना इतना, जो थोड़े अपने चिल रहते रिलैक्स रहते, मैंने देखा है कि प्रॉपर घर पे सब्जी बना रहे, रोटी बेल रहे रेटी, यार। रेटी, हाँ, रोटी बना रहे यार। कैंपस में लोग क्या करते हैं कि किचन में खाना बनाएंगे, हफ्ते में एक या दो दिन बनाएंगे और 3-4 दिन का स्टोर करके स्टोर करके कंटेनर में, ये तो बेस्ट है यार। हाँ, ये यही तो, करते हैं। हाँ। कभी कभार हम भी यही करते हैं क्योंकि जॉब पर आना होता है, हाँ। क्लासेस होती है और ये तुम सुबह घर 9 बजे पे मम्मी को शाम। बताओ, मम्मी बोलेगी बासा खाना खा, यही करते वापस आ जा। वो तो यार वो चीजें बताते नहीं हम घर हाँ, पे ये नहीं वो बतानी हर होती। रोज, लेकिन कौन खाना बनाएगा हाँ, डेली, नहीं वो नहीं ये तो तो बेस्ट कभी है, ऑर्डर ये सारे कर दिया, घर कभी पे। ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं भाई ये बेस्ट है यहाँ पे कि तुम 3 दिन का खाना बनाओ और हाँ, स्टोर तीन दिन करके रख स्टोर दो करके रख दो। वही। लेकिन जो लोग, कुछ लोग होते हैं लेकिन अभी भी कि जो वो थोड़े टैंट्रम्स वाले कि नहीं मेरे को नहीं हाँ चलेगा, फिर वो वैसे ही रह जाते हैं। वो दिक्कत हो जाता है फिर। हेयर फॉल के ऊपर क्या बोल रहे हैं यार वो तो यार बहुत है, सुबह उठा के वही चेक करते बाल है क्या, बाल है कि नहीं, बाल है कि नहीं। लेकिन यार बहुत मैंने एक नोटिस किया कि मैं जब आया था क्या डेंसिटी थी और बहुत अभी वो बहुत क्योंकि है। हार्ड वाटर है ना, बहुत हाँ बहुत हार्ड वाटर है तो झड़ जाते, पर हाँ वही तेल लगा और रात में बस तेल लगा। मैंने तो एक इंस्टा पे वीडियो भी देखा कि तेल लगाना बेकार है करके। हाँ वो तो यार क्या ही यार कर, हर एक का अपना अभी एकदम डिस्टर्ब हो गया वो कि घर पे पैदा हम लोग ऐसे हुए कि सुबह जितना सुबह तेल मम्मी लगाएगा उतने तेल लगाएगा तेरे बाल सही रहेंगे, तो और आज कोई आके बोल दिया कि तेल लगाना बेकार है। वो मैं देखा एक पॉडकास्ट में ही, हाँ देखा एक पॉडकास्ट में ना। बोला था हाँ, मैं बोला था वेदर एंड पानी, ये दो चीजें ज्यादा इफेक्ट करते हैं वर्क वेदर वुमन। पर मेरे को लगता है कि एक 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 और चीज है कि जैसे हम लोग जो इंडिया में जो हमारे बिलीफ सिस्टम था कि प्लास्टिक के डब्बे में गर्म नहीं खाना चाहिए कैंसर हो जाता है, यहाँ पे तो रोज खा रहे हो वही, तो माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो आप बिना यहाँ पे माइक्रोवेव। देखोगे तो यहाँ पे लोग भी उतने ही बीमार है, उतने ही डायबिटीज है लोगों को, उतने ही कैंसर पेशेंट्स है, क्योंकि वो मतलब उतना उनका फूड हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा ना, क्योंकि वो फ्रोजन ही खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली भी खा रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर वो तो। पर हाँ, पर ऑप्शन नहीं है, अगर तुमको माइक्रोवेव में हीट करना है तो आपको प्लास्टिक का लगेगा ही लगेगा। बट कुछ चीज़ें अवॉइड होती है, जैसे कि मतलब मैं कुछ महीने पहले प्लास्टिक बॉटल यूज़ करता, बट अभी जो कि मतलब स्टील मेटल का की मिलती है वो बॉटल। यूज़ करता। सो जिस चीज़ में आप अपना अवॉइड कर सकते हो उसमें अवॉइड करते हैं। अच्छा तुमने क्रैक कर लिया था सिर्फ बॉटल के सिर्फ बारे में, बॉटल अभी बाकी बॉटल से शुरुआत किया है सही। पर मेरे को लगता है एक ना एक प्रॉपर ऐसा गाइड होना चाहिए करेक्ट कि भाई तुम मतलब अब्रॉड कहीं पे यूके जा रहे हो तो ये हाँ, गाइड है तुम्हारा। हाँ, करेक्ट हाँ, ये ये होना सिलेक्ट हो चाहिए गए। हाँ कि देखो ये मत करो इससे ये होगा, ये इससे वो होगा, करेक्ट उससे वो होगा, करेक्ट क्योंकि यहाँ पे अभी कितने सालों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सबको प्रॉब्लम्स हुए हैं। हुई है आई थिंक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि भाई तुमको ये करना नहीं चाहिए, करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट कि यहाँ पे आने के बाद तुम ये मत खाओ, बेकार है, इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो और जिम में जाने का टाइम मिलता है लोगों को, मिल जाता है, मिल जाता है, निकालना मिलता है, पड़ता मिलता है, है। निकालना पड़ता है बट कैंपस मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरा अभी सुबह से शाम तक 8:30 बजे तक शिफ्ट है, तो 8:30 बजे के घर पे जाने के बाद खाना ही बना वो भी रहता है, और जिम पढ़ाई आना, अगर पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में हो तो पढ़ाई पढ़ाई करो। भी हाँ सो बट मैनेज करना था। और जॉब का क्या सीन है, जॉब कैसा अनफॉर्चुनेटली वाले कितने मिल्स आ गए अभी तक? मैंने तो अलग से मेरा लेवल बनाया है, मैं 7 से 8 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। अच्छा अब मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता नहीं जॉब का एक्सपीरियंस तो मतलब है यहाँ पे अभी, जैसे कि मतलब ये चल रहा है रिसेशन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। बट पहले ऐसा था जब हम लोग आए थे तब रिसेशन आ रहा है आ रहा है आ रहा है चल रहा था, बट मिल रहे थे कोविड में बहुत बहुत सारे लोगों को जॉब, अभी है अभी है अभी से बोल रहे जा रहा है जा रहा है। पर मतलब 2 साल तो सिर्फ हाइप हुई रिसेशन की, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और आज आ गया अभी आ है। कोविड में बहुत सारे लोगों को जॉब मिले बट अभी है टेक्निकल रिसेशन। बार्कलेज ने क्या जॉब दी है, पर इसी में इसी साल बार्कलेज ने 3,000 लोग को ये भी किया निकाल दिया। अच्छा जिनको लिया उनको निकाल दिया। मेरा एक दोस्त जो लास्ट ईयर बार्कलेज में लगा था तो उसको मैंने बोला था कि भाई मुझे प्रोसीजर बता दे, तो हमने अप्लाई किया, तो जैसे ही अप्लाई किया हमको रिजेक्शन है, तो मैंने उसको फोन किया कि भाई सब सही गया था, असेसमेंट भी क्लियर हो गया था, तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि बार्कलेज ने 3,000 लोगों को ले ऑफ किया है, उनके पास अभी क्राइसिस चल रहे थे बिकॉज ऑफ दैट, तो अभी बहुत सारे और ऊपर से जो वीजा के जो नए रिक्वायरमेंट्स आए हैं तो उसकी वजह से तो बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन की एंड सब एक एक बताओ अपना अपना ओपिनियन कि यूके 2024 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आपके, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपका लाइफ सेटल है अच्छे से इंडिया में और आपके पास अच्छा जॉब है, तो आई वुड से कि मत आओ, उधर अच्छा है, यहाँ पे थोड़े क्राइसिस है। अगर आप पूरा छोड़ के यहाँ पे सिर्फ स्टडीज के लिए आ रहे हो तो इतने सारे स्ट्रगल्स